फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर की चटनी, मीठी चटनी। देखिए, चल रही। देखिए, मैंने 7 से 8 टमाटर इस तरीके से काट रखी हूँ, लाल लाल। चटनी बनाने के लिए हमने तेल रखी हूँ। तेल आप देसी घी में भी बना सकते हो, देसी घी भी, लेकिन ठंडा होने पर देसी घी जम जाता है, ठंडी टाइम चल रहा है, इसलिए मैं तेल में बनाऊंगी। और चीनी ले रखी हूँ, गुड़ में भी बन सकता है। लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और नमक। चल रहे हैं बनाने की तरफ। गैस मैंने जला के कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गरम हो रहा है। मैं इसमें तेल डालूंगी थोड़ा सा, बस। अब तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए, जीरा अच्छे से भुन गया है। अब मैं लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा चटपटा, बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी। आप देखते रहिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अच्छे से हो गया है लहसुन और मिर्च। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालते हुए अब इसमें गुड़ भी फोड़ के डाल सकते हैं टेस्ट और हेल्थ के लिए। मैं मीठे में चीनी डाल रही हूँ और मैं नमक डाल रही हूँ और चीनी डाल रही हूँ। चीनी डाल दी हमने। चीनी डाल के अब मैं ढक दूंगी। झटपट 5 मिनट में आपकी मीठी चटपटी चटनी तैयार हो जाएगी। अब मैं ढक दूंगी गैस को मीडियम। देखिए, टमाटर इस तरह से गल चुका, अच्छे से चटनी हो गई है। मैंने गैस बंद कर दिया है। देखिए किस तरह से लजीज टेस्टी चटनी, मीठी चटनी चटपटी बनके तैयार हो गई है। आप पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए। अब फ्रेंड, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।